नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु प्रताप सिंह और अपनी कंप्यूटर पाठशाला के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। दोस्तों, टैली ERP9 का ये हमारा लेक्चर नंबर 16 है। इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड यूनिट के बारे में। तो दोस्तों आइए हम लोग टैली में चलते हैं और देखते हैं कि कंपाउंड यूनिट क्या होता है। दोस्तों, ये आपका टैली का सिलेबस है। इसमें हम लोग स्टार्टिंग से इन्वेंट्री ग्रुप, एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी, पैकेज एंड पैकेटिंग तक कर चुके हैं। आज का टॉपिक है दोस्तों कंपाउंड यूनिट। दोस्तों, कंपाउंड यूनिट हम लोग देखेंगे। ये कंपाउंड यूनिट क्या होता है, आइए पहले हम लोग इस पर एक असाइनमेंट चेक कर लेते हैं। दोस्तों, ये हमारा असाइनमेंट दिया हुआ है, कैपिटल 5 लाख रुपये, बैंक डिपॉजिट 2 लाख, बैंक विदड्रॉल 50,000, परचेज एंड सेल्स। परचेज दोस्तों हम लोग करेंगे शुगर। यहाँ पे देखिए, शुगर जो हम पहले परचेज करते थे वो हम सीधे सीधे केजी में परचेज करते थे, यानी कि 5 केजी अगर हमें ख़रीदना है तो डायरेक्ट 5 केजी और केजी का यूनिट ले लेते थे। इसमें हम डेसिमल पार्ट इन्वॉल्व नहीं करते थे कि 5 किलो 200 ग्राम खरीदना है या 5 किलो 250 ग्राम खरीदना है या केवल 250 ग्राम ही खरीदना है। तो दोस्तों, इसके पहले जो भी हम लोग यूज़ करते थे उसमें अगर डेसिमल प्लेसेस हम लोग ऐड करते तो उसको डायरेक्ट राउंड फिगर करके केजी में ले लेता। दोस्तों, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए परचेजिंग हमें करनी है 5 क्विंटल 50 किलो 250 ग्राम शुगर परचेज करना है और 3,000 रुपये पर क्विंटल के रेट से रहेगा। दोस्तों, यहाँ पे जो रेट लगेगा वो क्विंटल का लगेगा और इसको हमें सेल करना है। दोस्तों, तो अलग अलग सेल करेंगे, जैसे मान लीजिए रिटेलर है वो फुटकर में भी सेल करता है, कभी लोग 250 ग्राम भी खरीदने चले आते हैं। तो 2 क्विंटल 20 किलो 100 ग्राम फिर दूसरा कोई कस्टमर आया, उसने 250 ग्राम शुगर खरीदा, उसका क्या रेट लगेगा? दोस्तों, जो रेट लगेगा वो बिक्री रेट जो क्विंटल का है वो क्विंटल का ही रेट लगेगा। लेकिन अगर हम 250 ग्राम बेच रहे हैं तो रेट जो अमाउंट आएगा उसका वो 250 ग्राम का ही अमाउंट आएगा। शुगर फिर से बेचा इन्होंने 10 किलो 300 ग्राम, ये भी वही बिक्री रेट है पर क्विंटल के रेट से, और इसका भी एक्चुअल रेट कैलकुलेट होकर अमाउंट आएगा जितना 10 किलो 300 ग्राम का होना चाहिए। तो दोस्तों आइए टैली में हम लोग चलते हैं और आगे देखते हैं। दोस्तों, ये हमारा टैली का सॉफ्टवेयर खुला हुआ है और इसमें ये कंपनी बनी हुई है, कंपाउंड यूनिट टेस्ट नाम की कंपनी, जिसमें अभी कोई लेजर और इन्वेंट्रीज वगैरह हमने क्रिएट नहीं की है। तो आइए हम लोग इसमें देखते हैं कि हम लोग इसमें वर्किंग कैसे करेंगे। अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे जाना है दोस्तों, और सबसे पहले हम लोग लेजर क्रिएट करेंगे। लेजर एंड क्रिएट, कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाएंगे, अंडर में कैपिटल अकाउंट ही होगा, इसको सेव कर देंगे। दोस्तों, अगेन बैंक का लेजर बनाएंगे, आईसीआईसीआई अंडर बैंक अकाउंट जाएगा, बी बैंक अकाउंट ये ले लिया। बैंक अकाउंट जैसे ही हम चूज करेंगे तो बैंक से कुछ डिटेल्स हमसे पूछेगा, जैसे अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये डिटेल्स। दोस्तों, अगर हम कहीं प्रोफेशनली वर्क कर रहे हैं तो हमें एंटर करना होगा, यहाँ पे मैं स्किप कर जाता हूँ, एंटर करके इसको सेव कर देंगे। अगेन परचेज का लेजर था, परचेज अंडर परचेज अकाउंट में जाएगा। सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट में जाएगा। ये दोस्तों लेजर बन गया हमारा। लेजर बनने के बाद बाहर आएंगे, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में जाएंगे और इन्वेंट्री क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें हम लोग यूज करेंगे यूनिट्स ऑफ मेजर का। यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले यूनिट क्रिएट करेंगे, क्रिएट। तो दोस्तों, यूनिट हमारे पास क्या है, क्विंटल है, किलो है और ग्राम है। तो दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यूनिट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे, स्मॉलेस्ट यूनिट से क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे ग्राम यानी कि जीएम, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस पे ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ पे इस जगह पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस पे कि डेसिमल प्लेसेस कितने इसमें हो, तो ग्राम सबसे छोटा होता है, इसमें डेसिमल प्लेस नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम बनाएंगे दोस्तों केजी, केजी किलोग्राम। अब दोस्तों किलोग्राम में 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, मींस नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आपके 3 हुए, तो यहाँ पे हमने दे दिया 3 नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। इसके बाद दोस्तों हम क्विंटल बनाएंगे, के एन एंटर करेंगे, के एन में क्विंटल में 100 किलो होता है दोस्तों, तो 100 किलो यानी कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2, तो ये हमने दे दिया। इसके बाद दोस्तों हम आएंगे कंपाउंड यूनिट पे, यहाँ पे दोस्तों ऊपर देखिए टाइप में यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे या बैक स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो हम सिंपल पे चले जाएंगे और यहाँ से हम कंपाउंड चूज कर लेंगे। अब दोस्तों जैसे ही हम कंपाउंड चूज करेंगे तो यहाँ पे पहले हम ले लेंगे केजी ऑफ 1000 ग्राम, ये पहली हमारी कंपाउंड यूनिट बन गई, और दूसरा हम ले लेंगे क्विंटल ऑफ 100 केजी ऑफ 1000 ग्राम, ये वाला ले लेंगे, यानी कि इस पे एंटर करिए। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे हो गया क्विंटल ऑफ 1000 केजी, क्विंटल ऑफ 100 केजी ऑफ 1000 ग्राम, एंटर कर देंगे, इसको सेव कर देंगे। दोस्तों ये हो गया हमारा कंपाउंड यूनिट। इसके बाद स्केप करके हम बाहर आ जाएंगे, स्केप करके थोड़ा बाहर आएंगे, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में जाएंगे और स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेंगे। दोस्तों स्टॉक आइटम में हमारा रहेगा शुगर, यहाँ से शुगर पे गए, यूनिट में दोस्तों ये लास्ट वाली यूनिट लेंगे, क्विंटल ऑफ 100 ग्राम ऑफ 100 केजी ऑफ 1000 ग्राम, एंटर करेंगे, ये हमारा क्रिएट हो गया। अब बाहर आइए अगेन और अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे दोस्तों, यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर में गए, इस जगह पे एंटर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो पेमेंट में अकाउंट ऊपर पूछ रहा है, ये जो एंट्री मोड होता है आपका, ये सिंगल एंट्री मोड होता है, तो सिंगल एंट्री मोड में कभी कभी प्रॉब्लम होने लगती है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, डबल एंट्री मोड में वर्किंग करते हैं। तो ये सिंगल एंट्री मोड को हम चेंज कर देंगे, इसको चेंज करने के लिए शॉर्टकट की होती है हमारी F12 होता है, F12 प्रेस किया और यहाँ पे देखिए दोस्तों सेकेंड ऑप्शन यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर, यस है, इसको नो कर देंगे, एंटर करके इसको सेव कर देंगे, हो गया। एक बार स्केप करके बाहर आ जाइए, दोबारा वाउचर एंट्री में वापस जाइए। अब यहाँ पे हमें कैपिटल की एंट्री करनी है, F6 रिसिप्ट कैपिटल 5 लाख रुपए, कैश बैंक डिपॉजिट करनी है दोस्तों 2 लाख रुपए, बाय बैंक। दोस्तों ये नोट के अमाउंट पूछता है कि कौन सा नोट कितने कितने हैं, तो ये हम अभी स्किप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको स्किप कर जाइए एंटर करते हुए, और ये हमारा एंट्री सेव हो गया। दूसरा दोस्तों हम विड्रॉल की एंट्री करेंगे 50,000 का, तो यहाँ पे पहले बैंक होगा 50,000, अगेन वही प्रोसेस, और कैश हम रिसीव कर लेंगे। तो दोस्तों ये हमारा डिपॉजिट विड्रॉल की एंट्री हो गई। अब इसके बाद हम आएंगे F9 शॉर्टकट की प्रेस करेंगे दोस्तों, परचेज में आ जाएंगे। परचेज में आने के बाद यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि नेम ऑफ आइटम क्या परचेज करना है दोस्तों,
वाउचर एंट्री पे यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर दे देंगे, जैसे हमने दे दिया परचेज 001। एंटर करेंगे दोस्तों, कैश ले लेंगे, यहाँ पे ये सप्लायर का एड्रेस वगैरह, परचेज शुगर, एक बार आइए असाइनमेंट चेक कर लेते हैं। 5 क्विंटल 50 केजी 250 ग्राम 3000 रुपए के रेट से, तो दोस्तों 5-50kg-250 लिखने के बाद एंटर करेंगे तो ये आपका एक्सेप्ट कर लेगा। रेट क्या है, 3000 रुपए पर क्विंटल के रेट से, यानी कि 16,507.50 रुपये का आपने परचेजिंग कर ली शुगर। अब दोस्तों इसको एंटर करके सेव कर देंगे, ये हमारा सेव हो गया। अब इसके बाद से मान लीजिए सेल्स करते हैं, F8 में जाएंगे, शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, सेल्स, सेल्स 001 हमने यहाँ पे रेफरेंस नंबर दे दिया, कैश से सेल्स करेंगे। दोस्तों जब कभी भी हम प्रोफेशनल वर्क करेंगे तो ये डिलीवरी नोट और डिस्पैच थ्रू और ऑर्डर नंबर सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, तो ये हम एंटर करेंगे, अभी यहाँ पे स्किप कर जाते हैं। सेल्स पे गए और बेचना कितना है, 2 क्विंटल 20 किलो 100 ग्राम बेचना है दोस्तों, ये हमें बेचना है। शुगर 2-20 किलो-250 ग्राम एंटर, रेट 4000 के रेट से, ये दोस्तों आपकी एंट्री हो गई। इसके बाद दूसरा सेल देखते हैं जिसमें 250 ग्राम ही बेचा गया है, लेकिन 4500 रुपये के रेट से, क्योंकि फुटकर में थोड़ा सा महंगा सामान बिकता है और जब थोक में थोड़ा सा सस्ता बिकता है, तो फुटकर में हम दे रहे हैं 250 ग्राम यहाँ पे आइए, शुगर क्वांटिटी। तो दोस्तों हमें क्या करना है, 250 ग्राम एंटर करना है, तो इसमें हमें क्विंटल के साथ एंटर करना है, यानी कि 0 क्विंटल-0 किलो-250, ये हो गया हमारा 250 ग्राम, और रेट हमारा 4500 है, 4500। एंटर करेंगे दोस्तों, ये देखिए 11.25 रुपये अपने आप मूल्य छप के आ गया अमाउंट में, ये देखिए, ये एंटर करके हम सेव कर देंगे। इसके बाद तीसरा सेल करना है दोस्तों, यहाँ पे शुगर है आपका 10 किलो 300 ग्राम सेल करना है, जीरो क्विंटल-10kg-300 ग्राम 4500 के रेट से ही रहेगा, तो ये हो गया दोस्तों आपका 463.50 रुपये 10 किलो का 10 किलो 300 ग्राम का। एंटर करेंगे, एंटर करके इसको सेव कर देंगे। दोस्तों ये हमारी कंपाउंड यूनिट की एंट्री हो गई। अब स्किप करके बाहर आएंगे और स्टॉक समरी में जाके चेक करेंगे कि हमारे स्टॉक का क्या पोजीशन है। एंटर करेंगे, ऑल्ट F1 डिटेल करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिए 3 kg 3 क्विंटल 19 kg 450 ग्राम
शुगर हमारे पास बचा हुआ है टोटल इतनी वैल्यू का। इसी पे दोस्तों और एंटर अगर करेंगे तो हमें पूरी डिटेल दिखाई देगी परचेजिंग और सेलिंग का कि कितना हमने परचेज किया और कितना किस अकॉर्डिंग सेल किया हुआ है। तो दोस्तों ये हमारा कंपाउंड यूनिट क्लियर हो गया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर करें और चैनल पर हमारे बने रहें। इसी तरह से सारे एक एक जो भी हमारे पास सिलेबस है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम जो है ये सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर करेंगे। आप लोग चैनल पे बने रहिए। इसके बाद गोडाउन क्रिएशन होगा, फिर मटेरियल ट्रांसफर, बिल ऑफ मटेरियल, आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स आने वाले हैं दोस्तों। हमारे वीडियो को सर्च करने के लिए youtube.com में लिखें टैली बाय विष्णु सर या अपनी कंप्यूटर पाठशाला जो कि चैनल का नाम है, ये डाल के भी आप सर्च कर सकते हैं। दोस्तों हमारा चैनल आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जो पे करके सीखना अफोर्ड नहीं कर सकते। दोस्तों ये हमारी मेल आईडी दी गई है, कोई भी क्वेरी है आपकी इस पर मुझे मेल कर सकते हैं, वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।